नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैच एजुकेशन अड्डा पर। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे करंट जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता है हमारे ग्लोबल इंडेक्स का एक क्वेश्चन एग्जाम में। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ये टॉपिक सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो जरूर आपको अच्छा लगेगा क्योंकि यहां से आपका एक प्रश्न एग्जाम में बनना तय है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन की। इस वीडियो सेशन में आपको बताएंगे कि भारत की विभिन्न प्रकार की रैंकिंग किस प्रकार के, सूचकांक किस प्रकार है विश्व के विभिन्न देशों की सूची में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में भारत का स्थान छठा है। भारत का स्थान कौन सा है? छठा। और इस देशों की सूची में जो पहला स्थान है वो है दोस्तों यूएस का, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का। दूसरी बात है दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन, इसके अंदर भारत का स्थान है 60वां और पहला स्थान है दोस्तों स्विट्जरलैंड। थर्ड जो हमारे पास आता है बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि एलपी के एग्जाम में ये प्रश्न बना था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस फ्रीडम का है ये, तो इसमें भारत का स्थान 138वां। फर्स्ट स्थान पे जो कंट्री है वो है नॉर्वे। नेक्स्ट जो हमारा है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, तो इसके अंदर भारत का स्थान है 44वां। फर्स्ट स्थान पे है दोस्तों अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। आगे देखते हैं मानव विकास सूचकांक, जो स्टार लगा रहा हूं दोस्तों उनको आप विशेष रूप से याद करोगे और आपको इनमें से देखने को जरूर मिलेगा मानव विकास सूचकांक, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है। कौन सा स्थान? 130वां। फर्स्ट जो कंट्री है वो है नॉर्वे। नॉर्वे देखिए यहां पर भी आया था और यहां पर भी आया था। जब मानव का विकास होगा तभी तो वो अपने प्रेस की स्वतंत्रता का विचार करेगा। नेक्स्ट है विश्व हैप्पीनेस, विश्व हैप्पीनेस सूचकांक में भारत का स्थान है 133वां, ठीक है दोस्तों। कौन सा 133वां? फर्स्ट जो कंट्री है वो दोस्तों फिनलैंड। कौन सी है? फिनलैंड। फिन का मतलब याद रखना फनलैंड से, ठीक है, फन का मतलब होता हैप्पीनेस, ओके। विश्व स्वास्थ्य सूचकांक, तो इसमें अंदर भारत का स्थान 154वां, ठीक है, और फर्स्ट स्थान पे जो है स्विट्जरलैंड। ई कचरा उत्पादन, ई कचरा का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, चाहे वो मोबाइल से हो गया या और भी जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है उनसे जो उत्पादन है उसके अंदर भारत का स्थान है 5वां। और जो फर्स्ट कंट्री है वो है चाइना। जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न। विश्व भुखमरी सूचकांक, इसके अंदर भारत का स्थान है 103वां। फर्स्ट स्थान पर है दोस्तों बेलारूस। कौन सा है? बेलारूस। आगे देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी दोस्तों व्यापार करने में आसानी, इसके अंतर्गत भारत का स्थान है 77वां। फर्स्ट जो कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। फर्स्ट कंट्री कौन सी? न्यूजीलैंड। विश्व शांति सूचकांक, शांति बनाए रखने में, विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान है दोस्तों 136वां। फर्स्ट जो कंट्री है आइसलैंड। आइसलैंड का मतलब होता है दोस्तों बर्फ की तरह ठंडा देश, और ठंडे का मतलब शांतिपूर्वक देश। आगे देखिए विश्व आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान है 8वां, ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट कंट्री है वो कौन सी है? इराक। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है FDI, इसके अंदर भारत का जो सूचकांक है वो है दोस्तों 11वां स्थान, और फर्स्ट कंट्री है हमारी USA, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है विश्व युवा विकास सूचकांक, यूथ डेवलपमेंट, तो इसके अंतर्गत दोस्तों भारत 133वें स्थान पर है। फर्स्ट है जर्मनी, क्लियर है। 133वें स्थान पर हैप्पीनेस भी है और 133वें स्थान पर युवा विकास भी है, ठीक है दोस्तों। जब व्यक्ति हैप्पी होगा तभी तो युवाओं का विकास होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक, इसके अंदर भारत का स्थान है 81वां। फर्स्ट है न्यूजीलैंड। अब इसको याद कैसे रखना है? देखो जहां बिजनेस करने में आसानी होगी वहीं तो भ्रष्टाचार ज्यादा होगा। जहां बिजनेस करने में आसानी होगी वहां भ्रष्टाचार क्या होगा? ज्यादा। इसलिए देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फर्स्ट न्यूजीलैंड और भ्रष्टाचार में भी फर्स्ट न्यूजीलैंड, ठीक है। विश्व लिंग असमानुपात, असमानता सूचकांक में भारत का स्थान है 108वां। फर्स्ट है आइसलैंड। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है 58वां। फर्स्ट है USA। और नेक्स्ट जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण प्रदर्शन, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भारत का स्थान 170वां। फर्स्ट है दोस्तों स्विट्जरलैंड। तो ये था दोस्तों हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आगामी दिनों में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आगामी दिनों में दोस्तों आपके लिए
यहां से एक प्रश्न बनना तय है। उम्मीद करूंगा ये छोटा सा प्रयास जो आपके लिए किया है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना, चाहे वो आपके सीईओ हो गया, ब्रांड एम्बेसडर, डायरेक्टर्स हो गया, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो नई नियुक्तियां हुई है, इनके ऊपर हम धीरे धीरे जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियोज लाएंगे, क्योंकि अब एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो इन टॉपिक्स को ऑन द स्पॉट पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आप सभी के लिए एजुकेशन अड्डा एक टेस्ट सीरीज लेकर आया है, जिसके लिए आप लोग आगामी आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स है उन सारे एग्जाम के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज की बजाय आप लोग एक ही टेस्ट सीरीज में आप लोग 600 प्लस टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसके द्वारा आगामी आने वाले जो भी एसएससी के, रेलवे के, डिफेंस के और भी जो अदर एग्जाम्स है वो पूरा दोस्तों आप लोग उसके अंदर देख सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये टेस्ट सीरीज भी आपको जरूर अच्छी लगे। थैंक यू दोस्तों।